पॉप्युलर फ्रंट राष्ट्रीय पदाधिकारी यांच्या घरामध्ये ईडीकडनं छापेमारी करण्यात आली. पॉप्युलर फ्रंटच्या राष्ट्रीय पदाधिकाऱ्यांच्या घरावरती प्रवर्तन निदेशालय म्हणजेच ईडीकडनं छापेमारी करण्यात आली आहे. या विरोधात अहमदनगर जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर पॉप्युलर फ्रंट ऑफ इंडिया अहमदनगर यांच्या वतीनं विरोध प्रदर्शन करण्यात आलं. केंद्र सरकारच्या चालू असलेल्या किसान मोर्चाकडनं लक्ष दुसरीकडे केंद्रित करण्यासाठी कटुनीती आहे असं PFE यांच्या वतीनं सांगण्यात आलं. ईडी रेड्स जो पॉप्युलर फ्रंट के ऑफिसेस पे और चेयरमैन्स के ऑफिसेस पे जो हुआ है और अलग अलग 9 स्टेट्स में जो पॉप्युलर फ्रंट के ऑफिसेस है उसके ऊपर जो ईडी के रेड्स हुए हैं उसके अगेंस्ट में हम लोग यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं. ये एक पॉलिटिकली इन्फ्लुएंस मूव है गवर्नमेंट की तरफ से और इसकी वजह से एजेंसीज की जो क्रेडिबिलिटी है उसके ऊपर बहुत सवाल खड़े हो रहे हैं. इंडिया में जो हरियाणा पंजाब में जो फार्मर प्रोटेस्ट चल रहा है उसके अगेंस्ट में गवर्नमेंट जो नाकाम हो गई है उसको छुपाने के लिए गवर्नमेंट इस तरीके के गलत मूव्स कर रही है जो कि असंवैधानिक है और इसके खिलाफ़ पॉपुलर फ्रंट कानूनी और लोकतांत्रिक तरीके से इसकी लड़ाई लड़ेगा. बस इतना ही ये मैसेज है. ये अहमदनगर में प्रोटेस्ट चल रहा है. हर बार ईडी की तरफ से या गवर्नमेंट एजेंसीज के तरफ से पॉपुलर फ्रंट के अगेंस्ट में ऐसी कार्रवाई होती है बट 2-3 दिन में उसका रिजल्ट ऐसा आता है कि पॉपुलर फ्रंट कोई भी ऐसे मामले में अभी तक आधिकारिक तौर पे कभी भी फंसा नहीं है क्योंकि पूरा उनका ऑडिट होता है तो उसके अंदर ऐसा आज तक तो कुछ हुआ नहीं है. ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज टुडे 24 अहमदनगर. राज्यातल्या आणि देशातल्या ताज्या घडामोडींसाठी आजच आमच्या यूट्यूब चॅनलला सबस्क्राइब करा आणि बेल आयकॉनला क्लिक करा आणि बघत रहा ताज्या घडामोडी.